तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको छोटे बच्चे के लिए कोई नया कपड़ा बताएंगे कैसे बनाना है, तो आप देखते रहिए। तो मैंने ये रेड कलर का कपड़ा लिया है, ये टॉवल मैंने बिछा लिया है, ऐसे थोड़ा फर का कपड़ा लेंगे इस टाइप का। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है छोटे बच्चों के लिए। तो देखिए, इसमें हम छोटे बच्चे का जो नाप लेंगे, इस कपड़े की जो लंबाई है वो 11 इंच है। 11 ही हमें कपड़े का जो हम बनाएंगे उसका भी हम 11 इंच ही तैयार रखेंगे। और जो इसकी चौड़ाई हम लेंगे 10 इंच में 2 इंच बढ़ा लेंगे, फालतू लेंगे 2 इंच। देखिए, मैंने इस कपड़े के ऊपर ये अभी सिंगल बिछाया है का जो नाप लेंगे हम, इसकी चौड़ाई जो है हमने 12 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 11 इंच ली है। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, ऐसे काट के हम इसको अलग निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने काट दिया है ये, इतना ही हमें एक पीस और लेना है। तो इसके ऊपर हम इसको बिछा लेंगे ऐसे बराबर से। इसको भी हम यहाँ से काट के निकाल देंगे। तो देखिए, हमने काट दिया है, अभी हमारे 4 भाग हो गए, 2 इसका और 2 ये नीचे वाले। अब हम इसको भी यहाँ से काट के निकाल लेते हैं अलग। तो ये हमने 4 भाग निकाल लिए हैं, 2 नीचे अस्तर है और 2 हमारा ये फर वाला है। तो अब देखिए, जो हमारा ये अस्तर है अलग अलग पल्ले पर कर लेंगे। ऐसे तो देखिए, ये हमने अलग अलग पीस रख दिए हैं, ये देखिए ऐसे बराबर करके रख लेंगे। अब हम इसे, ये जो हमारा कपड़ा है इसको अंदर रखेंगे इसके, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो दोनों हमने ऐसे ही फोल्ड करने हैं। तो एक मैंने ये कर दिया है, एक में हम आगे का हिस्सा काटेंगे, एक में हम पीछे का, यानी कि हम इसकी जैकेट बनाएंगे। तो देखते रहिए। तो देखिए, हमारा जो तीरा है बच्चे का उसका हम आधा रखेंगे। तो तीरा हमारा जैसे 9 इंच है तो उसका हम 4.5 रखेंगे, और अगर 8 है तो हम 4 इंच रखेंगे। तो मैं ये 4.5 पे निशान लगाऊंगी। साढ़े चार पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे, आधा इंच हम यहाँ मुड्ढे में बढ़ा देंगे, ये देखिए। और यहाँ से हम हल्की सी गोल कटिंग कर देंगे। अब आएंगे गले पर, तो ये जो गले का हमें नाप लेना है ये हम 1.5 या 2 इंच पर रख लेंगे। ये 2 इंच पे मैंने ले लिया है। और यहाँ पर भी हम 2 या 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम आगे की कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे या फिर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम इसको ऐसे, आप चाहें तो इसे गोल गला बनाएं और चाहें आप इसे ऐसे बी शेप में भी काट सकते हो। देखिए ये बी शेप। अब हमारा तीरा जो है यहाँ से हम आधा इंच जो हमने बढ़ाया था यहाँ घटा देंगे, और ऐसे गले पर मिलाकर तिरछी कटिंग के लिए निशान लगा देंगे। तो जैसे हमारा तीरा 9 इंच है तो हम इसकी जो लंबाई 11 इंच है यहाँ पे हम 9.5 पर या 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से अगर हम नापेंगे तो ये 2 इंच पे बैठेगा। इसको हम यहाँ से हल्की सी, ये हमारा गले वाला साइड है, यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे।
ऐसे। देखिए अब हम इसे काट लेंगे इसको, और ये मुट्ठी भी हम काट लेंगे। देखिए मैंने काट दिया, अब यहाँ पर कैंची से हम कट कर देंगे इसको बीच में से, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये तो हमारा आगे का हिस्सा हो गया, अब इसमें हमें पीछे का काटना है। तो इसी को हम रख लेंगे इसके ऊपर, तो देखिए मुड्डे हम इसके साथ काट लेंगे। और जो हमारी ये कटिंग है इसमें नहीं काटेंगे हम, इसमें सिर्फ मुड्डे काटेंगे, तीरा काटेंगे, और गले पर हम सिर्फ 1 इंच काटेंगे। तो देखिए मैंने कट कर दिया है ये, अब हमें ये सिलना है। तो इसको हम बराबर करके ऐसे मुड्ढे से मुड्ढे और तीरे से तीरा ऐसे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, और थोड़ा सा हम साइड में छोड़ देंगे खोलने के लिए। देखिए ऐसे ही हमें यहाँ पे भी पूरे में सिलना है, चारों तरफ, चारों तरफ सिल लेंगे और थोड़ा हम छोड़ देंगे यहाँ पर दोनों में 2-2 इंच। तो हम तीनों को पहले सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है इसमें, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ऐसे ही सारे पीस सीधे कर लेंगे। तो देखिए मैंने सीधा कर दिया है सब, ये हमारे आगे का है। तो देखिए इसके हम कंधे जोड़ लेंगे दोनों। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये खुला हुआ हिस्सा है इसमें हम पट्टी लगाएंगे पहले। तो इसमें रेड कलर की पट्टी लगाएंगे ऐसे डबल करके, और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पट्टी मैंने सिल दी है, अब इस पट्टी को हम ऐसे अंदर को रख के और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे, ऐसे ही हमें दोनों में करना है। तो देखिए मैंने ये भी सिल दी है, यहाँ हमने थोड़ा बटन पट्टी छोड़ दी है, चिट बटन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें। अब जो हमारा ये हिस्सा है इसके किनारे हम सिल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका इसका जो गला है इसको नाप लेंगे। ग्यारह इंच है। तो देखिए मैंने दूसरे कलर के लिए फर ली है, इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच है, और इसकी जो लंबाई है मैंने ये 11 इंच, तो हमारी तैयार है। 1 इंच फालतू ली है, आधा इंच दोनों साइड से दबाने के लिए। तो देखिए हम इसका गला बनाएंगे पहले। इसको हम सिलाई कर लेंगे, इसको हम जैसे हमारा सीधा है तो ऐसे सीधा करके उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसे मोड़ करके हम ऐसे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने सीधा कर दिया है, अब इसे हम ऐसे अंदर को हल्का हल्का मोड़ करके ऐसे, और यहाँ पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मेरी कलर लग चुकी है, और हमने ये जो यहाँ पर किनारे सब सिल दिए हैं,
तैयार कर दी है। अब हम इसको इसमें बटन लगाएंगे, कोई भी आपको पसंद आया हो तो आप लगा लीजिए। तो देखिए मैं इसमें ये यहाँ पे बटन टाक देंगे, पतली सी डोरी है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐसे इतनी इतनी जो बटन में आ जाए ऐसी लुप्पी यहाँ पे लगा लीजिए, और एक लुप्पी यहाँ दो बटन के लिए। तो देखिए ऐसे हम इसमें लुप्पी लगा लेंगे, यहाँ पर इसे टांग देंगे, चाहे आप मशीन लगा लीजिए इसमें और चाहे आप सुई। तो देखिए मैंने लुप्पी लगा दी है, ऐसे ही हम इसको नाप करके यहाँ पे भी ऐसे ही लुप्पी लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये लगा दिया है, आप चाहें तो इसमें चीट बटन भी लगा सकते हो, कोई भी बटन आप इससे मैच में ला करके लगा सकते हो। तो ये देखिए जैकेट तैयार हो चुकी है। इस जैकेट को 1-1.5 साल के बच्चे आराम से पहन सकते हैं। देखिए किसी भी फ्रॉक के ऊपर पहन सकते हैं, कितनी प्यारी बन गई है। आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।